हरिद्वार में हर साल होने वाली गंग नहर बंदी की तारीख फाइनल हो चुकी है। इस बार 21 अक्टूबर की रात से दीपावली की रात तक गंग नहर बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग 21 अक्टूबर की रात भीमगोड़ा बैराज उत्तरी खंड गंग नहर को बंद कर देगा। हालांकि हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन ने अपने अधूरे पड़े कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से गंग नहर बंदी को एक हफ्ता पहले यानी 14 अक्टूबर से शुरू कर देने की मांग की है, जिस पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग विचार कर रहा है। 2021 में कुंभ पर्व होने जा रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए और विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो कुछ काम जो हैं अभी जो हैं बाकी हैं, पिछली बार गंगा क्लोजर में नहीं हो पाए थे, जो अब होने हैं। जो यूपी के अधिकारियों से बात हुई है, उनके द्वारा जो है 21 और 22 अक्टूबर से जो है गंगा को मतलब जो है क्लोज करने का जो है अनुरोध किया गया है। जबकि हमारे जो अधिकारी हैं, जो उत्तराखंड के अधिकारी काम को देखते हुए, उनके द्वारा थोड़ा उसको पहले से चाहा गया है ताकि हमारे कार्य पूर्ण हो सके। मुझे उम्मीद है कि दोनों सरकारों के बीच में जो है सहमति बनते हुए एक पर्याप्त समय मिल जाएगा और आने वाले समय में जो है हमारे जो कार्य बचे हुए थे पिछले वर्ष से, वो इस साल पूरे हो जाएंगे और आगामी हमें जो है दिव्य और भव्य कुंभ देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि पिछले साल दशहरे से दीपावली तक बंद रही गंग नहर में कई घाटों का निर्माण चल रहा था, लेकिन दिवाली की रात उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर में अचानक पानी छोड़ दिया था, जिससे लाखों के कुंभ कार्य प्रभावित हुए थे। ऐसे में इस साल गंग नहर को एक सप्ताह पहले से बंद करने के लिए कुंभ मेला प्रशासन ने पत्र लिखकर यूपी सिंचाई विभाग से मांग की है। हर साल होने वाली गंग नहर बंदी के दौरान उत्तरी खंड गंग नहर की सफाई के अलावा कई सारे काम किए जाते हैं। त्योहारी सीजन में गंग नहर बंदी का जबरदस्त विरोध भी देखने को मिलता है। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।